अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत होंगे, फिट वाले के दोस्तों। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो आज एक आपके लिए सरप्राइज आपको नजर आ रहा होगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है वो सरप्राइज, हमने इनक्यूबेटर लगा दिया और इसमें हमारे अंडे भी हैं, दो अंडे हैं इसमें, दो अंडे रख दिए, डेट शेट लगा के रख दिया। इनको रोटेट कर दूं सेफ भाई? कर दी हैं, चलो ठीक है। इसमें से एक टूटा है, मुझसे टूट गया था जो, वो तो यार ख़राब है, उसको निकाल ही दें कि नहीं? नहीं पड़ा रहने तो भी हो सकता। निकल आएगा बच्चा। और इसकी ट्रे में से पानी भी ख़त्म हो गया, ट्रे ख़त्म हो गया ना? हाँ थोड़ा सा लेकर आओ, इसमें डालें। अभी मैं डाल देता हूँ इसमें थोड़ा सा पानी, जो कि इसके नीचे ही ट्रे पड़ी हुई है। वो है अंडे पे तो नहीं गिरा? नहीं नहीं गिरा ही नहीं है। अंडे थोड़ा सा आगे कर देते हैं इधर। यार दूसरा भी टूटा हुआ है? नहीं टूटा, दोनों टूटे अंडे रखे हैं। एक ये देखो कहाँ से टूटा है, ये तो वही है ना जो आपने तोड़ा है। तो एक ये जो सा ये वो सही होगा। ये देखो ये कैसे टूट गया? लो जी ये तो सही था, अभी मैं देख के गया हूँ थोड़ी देर पहले। रख दो इसको वापस, बंद कर दो, दूसरे सही वाले रख देंगे, इसको भी बड़ा ही रहने देंगे। चलो अभी हम चलते हैं ऊपर अपने बकरियों के पास। मैंने सोचा जाते जाते अपने कॉकटेल के बजिस के बेबीज को भी देख लें। कॉकटेल कैसे हो? बच्चा बहुत बड़ा हो गया माशाल्लाह। ये उसके पेरेंट्स हैं और एक ये बच्चा, काफ़ी बड़ा हो गया। इसका दाना पानी ओके है? हाँ भाई ठीक हो? अच्छा मैं चला जाता हूँ, ये कह रहा चला जा। ठीक है भाई चला जाते हैं। नहीं दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने सेटअप पर बकरी के पास। तो अभी ना हमने परिंदों को खोलना है। सबसे पहले काम ये करता है भाई, चारा डाल रहे हैं, हम परिंदों को खोलते हैं। चलें अपने परिंदों को सबको। आज 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 जल्दी आ जाओ भाई, इनका पानी वगैरह सब कुछ खत्म है, सबको बाहर निकाल दें। चलो 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 जी। इसको कोई जगह नहीं मिली? इसको जगह बना के देते हैं। अभी इसका अंडा उठा के ना उसके नीचे रखो, आप वो सिल्वर वाली के नीचे रख दो। उठा दो उठा दो, टूटा तो नहीं है कहीं से? टूटा 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 एक पर नहीं टूटा, भाई रख दे इसके नीचे रखो। इसको करते हैं, इनका सेटअप करते हैं। यार ये मुर्गियाँ, अच्छा एक सरप्राइज है, वो तो बताया ही नहीं। हाँ वो भी दिखाते हैं, एक मिनट दिखाते हैं। ये हमारे लिए खुद भी ये सरप्राइज हो गया अंडे वाला। तो चलो 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 और इसके ये साथ ये इन्होंने जल्दी जल्दी मुर्गी अंडे देने हैं। अभी हमने डक के अंडे इनके नीचे रखने हैं। डक के अंडे, ओए वो उसके देखो छोटे डॉन के कितने पर उतार दिए उसने। ओए होए यार ये तो दूसरे वालों को भी मारेगा। इन दोनों को अंदर बंद कर दे। नहीं नहीं इनको अंदर नहीं बंद करना, इनको खुला रहने देते हैं। वो देखो मुर्गियों को भी मार रहा है यार, ये तो बहुत काम खराब है इनका ना। सेटअप करते हैं जल्दी जल्दी से सीन मुर्गियों का अलग से। इनका पता क्या करता हूं, ही इधर से निकल आएंगे फिर वो कबूतर उड़ गए और जंगली फिर चला गया। यार बकरियां दाना चारा खा रही हैं, इनको पिजन को दाना डाल दो ताकि ये जल्दी जल्दी दाना खा ले। बकाया का दाना इनके अंदर डाल देंगे और ये पैरेट का पानी वगैरह भी देखना है अभी। ये कबूतर दोनों जंगली हमारे हैं, ये तो ये किसी और का लग रहा है मुझे। नहीं हमारे ही हैं दोनों, ऐसे लग रहा था इसको कलर लगा हुआ है, वैसे धूप में शेड आ रहा था उसका।
डाल तो यार एक मिनट पहले बजिस्को तो डाल दे, बजिस्का दाना खत्म हुआ हुआ है, ये इधर गिरा देते हैं, इनको डालते हैं। तो ले जी अभी हमने इनको डाल दिया दाना और अभी चलते हैं बाहर। अभी डक के बच्चे भी बाहर निकाल दिए, डक भी निकाल दिया और ये मुर्गियाँ शुर्गियाँ सारे निकल गए, परिंदे भी निकल आए। अब मैं पानी भरने लगा हूँ इन सब का, तो अभी पानी भरते हैं। आ रहा होगा, चेक करो, देखो रेशमा चली गई उनके पास तंग करने उन्हें। ये मक्की चीनी आ गई है, यार ये देखो उधर मैंने टप भर के रखा हुआ है, इनको चारा डाला है, इसको उधर लेके जाओ। यार एक पैरेट बोल रहा है, पता नहीं मरे दरख्त में है यहाँ कहीं पे, इधर पास पास कहीं पे बैठा हुआ है, आवाज आ रही है। यार ये देखो कितने बड़े बड़े पिजन आ गए हैं दो, ये देखो दाना खा गए हैं सारा उनका। वो कबूतर उड़ गए यार, एक तो यही है मैं कबूतरी नहीं है, कबूतर है ये, वो जंगली भी गए हैं उड़, वो काला उधर बैठ गया, वाइट नीचे आ गया और एक जंगली वहां पे जाके बैठ गया। यार ये जो पेड़ अंदर गया है ना, इसने अंडा दिया उसके ऊपर बैठ के, किसी ने बैठ के दिया है, इनको भी हम कोई चीज़ लगा देते हैं और इनका सेटअप करते हैं जल्दी से, ताकि ये अपनी जगह पे अंडे दिया करें, ऐसे तो सही सिस्टम नहीं है। इसको आराम से पकड़ो, इसने दूसरा अंडा देना है, टूट जाएगा इसके अंदर वो ये दाना। जाने दो इनको अंदर, दाना डाल दो बस, क्लोज कर देते हैं, गर्मी बहुत हो गई है। कल से भी लोग हमने सुबह फजर की नमाज के बाद ही शुरू कर दिया करना है। वो इसकी दुम टूट जानी है वे। ये ना पैरट को रख दूं मैं, ऑस्ट्रेलियन पैरट, उनको पानी और दाना डाल दिया उनको। हाँ दाना डाल दिया यार, गर्मी बहुत हो गई है, हमने तरपाल भी लगानी है, वो ऊपर रखी हुई है अभी सेट नहीं की हमने, तो इनका तरपाल भी लगाते हैं। और देखो एग्जीबिशन पानी पीने आया हुआ पहले से नीचे, तो अभी मैं कर देता हूँ, पता क्या क्या करना है, बोले ना मैं सबसे पहले करता हूँ मक्की चीनी को और छतरे को पीछे, ये जो उनसे रोज दो बड़े पीछे खा देते हैं। डक ने तो हैंड से खाना शुरू कर दिया है, ये पहले ये बहुत मारता था, हमारे पाँव को पड़ जाता था जब हमने लेके आया था, फ्रैंक हो गया हमारे साथ,
और दूसरी डक कहाँ गई अपने बेबीज को लेके, उसको तो देखें। ये देखो नहा रहे हैं सारे इधर, थोड़ा सा पानी गिरा हुआ है उसके अंदर ही खेल रहे हैं। इनको पानी बहुत अच्छा लगता है, ये है भी पानी का जानवर है, पानी में ज़्यादा खुश रहता है, पसंद है इनको पानी। तो ये थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है पानी, उसके अंदर ही खेलने लगे हुए हैं ये, इसको दाना खाने की इनको परवाह ही नहीं है, बस पानी में ही खेलते हैं। पानी में खेलना इनको अच्छा लगता है और ये पानी में खेल रहे हैं। मैं ना इधर ही डाल दिया सारा दाना इनको, ये इधर ही खाएंगे। अम्मा जितनी कोशिश कर रहे हैं ना ये ना उड़े, उतना ही उड़ी जा रहे, उड़ी जा रहे हैं। बस ये खाते हैं तो फिर क्लोज करें जल्दी से भाई, ये हमारे ना काम जरा भारी होता जा रहा है। पानी है टब वाला, ये मैं गिरा देता हूँ अपने गमलों में। अभी उनको भी दाना डालना है मैंने, लेकिन उनको जब सारे बंद कर लेंगे तब डालेंगे। इसमें मैं इसमें दाना ले आता हूँ। तो ले दोस्तों, हमने सब परिंदों को दाना पानी कर दिया, बस उनका वो ईंट भी लगाते हैं। दो ईंटें लगा के ना आरजी तौर पर उनका कर देते हैं कुछ, जहाँ पे वो दूसरा अंडा दे लें और उठा के एक अंडा वो वहाँ पर रख देते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।